पाकिस्तान की नौसेना ने ग्वादर के पास अरब सागर में डूबे भारतीय नौकायन पोत जमुना सागर के चालक दल के 9 सदस्यों को बचा लिया है। नौसेना के प्रवक्ता के मुताबिक जहाज जमुना सागर चालक दल के 9 सदस्यों के साथ डूब गया। नौसेना को जहाज के डूबने की जानकारी मिली और टीम ने तुरंत डूबते जहाज में फंसे हुए चालक दल को जरूरी सहायता मुहैया करा के बचा लिया। दरअसल पाकिस्तानी नौसेना ने पास में ही एक मर्चेंट शिप को इसकी सूचना दी और टीम के साथ मिलकर चालक दल के 9 सदस्यों को बचा लिया गया। शिप इसके बाद अगले बंदरगाह दुबई के लिए चली गई, वो दुबई के रास्ते में ही थी। पाकिस्तानी नौसेना ने ग्वादर के पास डूबे भारतीय जहाज जमुना सागर से 9 मछुआरों को सुरक्षित बचाया है। यह जहाज अरब सागर में 10 क्रू सदस्यों के साथ डूब गया था। इस जहाज ने डूबते हुए सहायता के लिए अनुरोध किया था, जिसके बाद पाकिस्तानी मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने पास के एक मर्चेंट शिप एमटी क्रुइबेके से डूबते हुए जहाज के फंसे हुए दल को आवश्यक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। इस मर्चेंट शिप ने जमुना सागर पर सवार चालक दल के 9 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया। शिप बचाए गए भारतीय नागरिकों को लेकर अगले पड़ाव दुबई बंदरगाह चला गया, जहां उन्हें सुरक्षित उतार लिया गया है। बयान के अनुसार पाक नौसेना को पोत के डूबने के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद नौसेना ने एक संकटपूर्ण कॉल का जवाब दिया और पाकिस्तानी समुद्री सूचना केंद्र ने भारतीय पोत के फंसे हुए चालक दल को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए पास के एक व्यापारी जहाज एमटी क्रुइबेके से अनुरोध किया। व्यापारी जहाज ने अंततः चालक दल के 9 सदस्यों को बचा लिया और उन्हें किनारे पर छोड़कर अपने दुबई बंदरगाह की यात्रा पर रवाना हो गया। इसके साथ ही 2 हेलीकॉप्टरों के साथ पाकिस्तानी नौसेना का एक जहाज भी उस क्षेत्र में पहुंचा और चालक दल के एक सदस्य के शव का पता लगाया, जो पोत के डूबने के बाद लापता हो गया था। शव को आगे की कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि कार्रवाई पूरा होने के बाद शव को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। इस मिशन को लेकर पाकिस्तानी नौसेना अपने भारतीय समकक्षों के संपर्क में है। अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि यह जहाज ग्वादर के पास कैसे डूबा। जहाज के चालक दल से पूछताछ के बाद ही इस घटना के कारण से पर्दा उठ सकता है। पाकिस्तानी मौसम विभाग के अनुसार घटना के समय ग्वादर के पास मौसम अच्छा था, समुद्र में लहरें भी सामान्य थीं। ऐसे में डूबने के कारणों में मौसम के खराब होने की संभावना बेहद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।